चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीरानी। सीमरी के सैनिक के भइल निधन राजकीय सम्मान के साथ भइल अंतिम संस्कार, छुट्टी पे घरे आई रहन सैनिक अशोक यादव हृदय गति रुके से जवान के भइल निधन। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, सेना के गार्ड ऑफ ऑनर इनकर भाई के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखब, एगो सेना के जवान जब जागेला तो हमनी के चैन के नींद सूती ना जा, एगो सेना के जवान दुश्मन के गोली भी खाए के तैयार रहेला लेकिन हमनी के चैन से नींद लिही ला जा। सेना के 3 ग्रेनेडियर में सेवारत सैनिक कुमार अशोक कुमार यादव के भी अपने के सुबह 7 बजे हृदय गति रुक जाए से निधन हो गए। 40 दिन के छुट्टी पे अपना घरे सेमरी बक्सर आयल रहन। 2008 में सेना में शामिल भइल जवान वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में तैनात रहन, अपन सेवा के दौरान देश के अनेक हिस्सा में अपन ड्यूटी निभल। इनकर बाबूजी लक्ष्मी यादव भी सेवा में रहन, 2002 में कारगिल युद्ध में शहीद हो गए रहन। दिवंगत सैनिक अशोक कुमार यादव के अंतिम संस्कार इनकर पैतृक गाँव केशवपुर के गंगा घाट पे कैल गई, जहाँ उनकर 6 बरिस के लड़का आयुष कुमार मुखाग्नि दिले। मौका पे स्थानीय अधिकारी के मौजूदगी में दिवंगत सैनिक के साथी के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दे के राजकीय सम्मान के साथ उनकर अंतिम संस्कार कैल गई। अशोक कुमार यादव के निधन से इनकर परिवार और क्षेत्र में शोक के लहर दौड़ गई। इनका पीछे इनकर शोक संतृप्त पत्नी उषा देवी, 12 वर्षीय लड़की अंशु कुमारी, 6 वर्षीय लड़का आयुष कुमार बाड़न। इनकर छोट भाई राजेश यादव जवन खुद भी सेना में कार्यरत बाड़न बतैलन कि वो 14 अक्टूबर के अरुणाचल प्रदेश से 40 दिन के छुट्टी लेके आई रहन। बीएफए के सुबह वो टहले खातिर निकलल रहन, यही दौरान उनका सीना में दर्द भइल एकरा बाद उनका के बक्सर मुख्यालय के एगो निजी अस्पताल में भर्ती करावल गई, जहां चिकित्सक उनका के मृत घोषित कर देने। अशोक यादव के सेवा में सराहनीय योगदान रहल, देश के अनेक क्षेत्र में सेना के सेवा करत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभल। दिन में करीब 10 बजे दिवंगत सैनिक के अंतिम संस्कार करे के दौरान जैसे ही उनकर पुत्र मुखाग्नि देले मौका पे मौजूद हर व्यक्ति गमगीन हो गई। उनकर पैतृक गांव केशवपुर के गंगा घाट पे महावीर स्थान में उनकर अंतिम संस्कार के दौरान काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सैनिक के निधन पे बिहार राज्य के तमाम सैनिक जवन बाड़े श्रद्धा सुमन अर्पित कैलन। भोजपुरिया समाचार अब इनकर भाई के बयान सुनावे जा रहल बा। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखब, एगो सेना के जवान के बात बात। कैसे घटना हुई थी और कब वो छुट्टी गांव पर आए थे? ये 3 ग्रेनेडियर में परमानेंट पोस्टिंग थे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से रिटर्न हुए 14 तारीख को, छुट्टी 13 तारीख को 40 दिन की छुट्टी के साथ। 3 दिन ये घर पे रहे, 1 दिन खेतों में आए थे, थोड़ा बहुत काम किए, सब फिट फॉर था। और सुबह वॉकिंग करने गए थे अपने ट्रैक पे, जो अपने रोड के किनारे ट्रैक है उस पर वॉकिंग कर रहे थे। फिर घर आए तो थोड़ा उनके सीने में हल्का सा दर्द सा ऐसा फील हुआ, तो उन्होंने अपनी मैडम को बताया, तो मैडम ने नींबू वम्बू पानी पिलाया उनको, प्लस ऐसा बोल रहे थे कि ऐसे मेरे सीने में ऐसा हल्का हल्का दर्द हो रहा, अचानक दर्द हुआ, फिर वो दर्द बढ़ते ही गया। वो बोले कि अभी मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तो घर वाले 2-3 लोग पड़ोसी थे, हम लोग तो उसी दिन आए, हम भी ऑन ड्यूटी थे आर्मी से, तो फिर वहाँ से उसी दिन हम ट्रेन पकड़े बाई रोड, जैसे भी हम आए चल चल के, हम प्रेजेंट नहीं थे लेकिन पड़ोसी हमारे, उनको लेके बीके ग्लोबल हॉस्पिटल में गए। लेकिन चेस्ट का दर्द ज़्यादा बढ़ चुका था, जाने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया आप उनके हार्ट अटैक से। क्या नाम है आपका? मेरा हौलदार राजेश यादव, 22 ग्रेनेडर, मैं अशोक यादव का छोटा भाई हूँ। मृतक के कौन है? मैं अशोक यादव, जो मेरे बड़े भाई हैं उनका छोटा भाई हूँ। धन्यवाद।
Thank you.